कलर्स ऑफ लाइफ विद राधना, और मैं हूँ राधना और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का स्वागत है और बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ था ना, मम्मी पापा आए थे तो उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। हम लोग पार्क जाते थे और फिर घर पे आते थे, तो एक उनके साथ एक रूटीन बन गया था कि दोपहर में उनके साथ थोड़ा रेस्ट हो जाता था और फिर शाम को वही काम वाम जो होता था घर का वो कर लेते थे। थोड़ा बहुत करती थी, ज़्यादा नहीं करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं उनके साथ स्पेंड करती थी, उनको उनके साथ बातें करती थी, उनके साथ बैठना पसंद है मुझे, और वही सब किया। तो काफ़ी दिन हो गए थे उन्हें, तो फिर वो चले गए। अभी वो आएंगे दोबारा से, मैंने बोला है कि आप आइएगा दोबारा, तो देखते हैं वो कब आते हैं। वो जल्दी से आएंगे नहीं ये भी मुझे मालूम है। और अभी जो है ना, आज है धुलाई का दिन, आज कुछ भी नहीं है, आज ज़्यादा मैं कुछ नहीं करने वाली, थोड़ा किचन मैंने साफ़ करनी है आज। और आज है कपड़ों की धुलाई का दिन, तो यहाँ पे ना आपको दिख रहे होंगे, मतलब यहाँ पे एक मतलब काफ़ी सारे कपड़े हैं, बहुत सारे, और रात में खूब तेज वाली बारिश आई है, मतलब शायद ओले गिरे थे और बहुत ज़्यादा वाली बारिश आई हुई है, और धूप बिल्कुल नहीं निकली हुई है, और कपड़े जो है ना वो कल के भी नहीं सूखे हैं, और अभी तो खैर और धोने हैं, तो मैंने कहा धो के रख लेते हैं, बाद में फिर सुखाते रहेंगे जैसे ही धूप निकलेगी, क्योंकि अगर आप कपड़े इकट्ठे करते रहेंगे ना तो फिर वो धुलने वाले नहीं है एकदम से, क्योंकि पानी की भी थोड़ी शॉर्टेज है। तो यहाँ पर लग रही है वॉशिंग मशीन और ये धुल रही है, कपड़े धो रही है। इसको मैंने अभी बंद कर दिया है क्योंकि इसकी आवाज़ आ रही थी खूब तेज वाली, और ये सब कुछ धुलेगा जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैट कारपेट सब कुछ, नीचे भी कपड़े काफ़ी सारे हैं। तो आज का बहुत छोटा सा व्लॉग रहेगा, मतलब व्लॉग भी क्या बोल सकते हैं। मैंने कहा बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई है, आप लोगों से किसी तरह की कोई बात नहीं हो पाई, तो क्यों ना एक छोटा सा अपडेट आपके साथ शेयर कर दिया जाए। तो यही सब है, और अभी फिलहाल ना तो यहाँ पे जो है ना श्री खेल रही है क्ले का, इसके लिए क्ले का एक छोटा सा सेट लेके आए थे कल, क्योंकि अकेला बच्चा क्या करेगा, कितने सारे टॉयज उसके पास होते हैं, पर फिर भी डॉलर है, डॉलर भी अपने में रहता है, उसको खेलना होता है, खेलता नहीं खेलना होता। आप सोचो इस विंडो पे मैंने ना एक हमने एक पर्दा लगा रखा था, अभी टेम्परेरी एक पर्दा लगा रखा था, पर वो हट गया, मतलब मैंने हटा दिया, वो बहुत अजीब सा लग रहा था। इसको कुछ इसका कुछ करूँगी, अगर कुछ करा इसका तो आपके साथ ज़रूर डेफिनेटली शेयर करूँगी कि क्या मैं दिमाग चलाने वाली हूँ इसमें। और यहाँ पे ये खेल रही है सुबह सुबह का टाइम, और यहाँ पे ना मैं आपको डॉलर से मिलवाती हूँ। देखो आपको बेड पे ना कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, आपको सिर्फ बिस्तर दिखाई दे रहा होगा और इसका कंबल और इसके खिलौने पर दिखाई दे, और डॉलर जहाँ छुपा हुआ है ना, मतलब छुपा क्या हुआ, सो रहा है वो, अभी खेल रहा था, सुबह से उठ के खेलने लग जाता है जब हम लोग सो रहे होते हैं, और फिर जब हमारा उठने का टाइम हो जाता है तब ये भाई साहब सो जाते हैं बहुत गहरी नींद में। देखिए डॉल रही, ए डॉल रही, अभी उसको बिल्कुल उठने का मन नहीं, उसको तो बस अभी जितना उड़ा दो और उसको बस सोने दो, सोते रहेगा और फिर दिखा करेगा फिर सोएगा, तो यही है, सो रहा है आराम से। और अभी मम्मी पापा गए थे तो खाना वाना मैंने बना के थोड़ा सा उनको दिया था, सब्जी वब्जी बनाया था सुबह नाश्ते में। और मेरे साथ ना ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि जब भी मैं चाय बनाती हूँ तो फिर चाय निकल जाती है, पता नहीं क्यों निकल जाती है, मतलब बहुत बार निकल जाती है, मतलब हर दूसरे दिन मेरी चाय निकल जाती है, मेरी गैस गंदी हो जाती है। और आप बताइएगा आपके साथ ऐसा होता है, मैं खड़ी भी रहूंगी तब भी मेरे साथ ये होता है कि मेरी गैस गंदी होती है, मुझे रोज गैस की क्लीनिंग करनी पड़ती है, डीप क्लीन को करना पड़ता है साबुन सुबुन से धो के, पता नहीं क्यों होता है ये। तो अभी तो गैस की बहुत बुरी हाल है, और अभी बहुत सारा मतलब सब कुछ ही करना बाकी है, तो देखते हैं दोपहर तक मैं इसको क्लीन करती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं और शेयर करती हूँ आपके साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। Sleep.
सारा काम हो चुका है और बाहर देखने तो कपड़े भी सारे मैंने सुखा दिए, पता नहीं सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे। और अब बच रहे हैं डेढ़, लंच का टाइम है, इसलिए क्या बनाना है बनाया तो सुबह था उसके साथ रोटी बनाई। तो यहाँ पे बस अब मेरा काम ख़त्म हो चुका था, फटाफट से मैंने सोचा कि जल्दी से क्रीम लगा लेते हैं। मतलब क्या रोज मोनी मेकअप करता है, कॉलेज का क्या रोज है, बेसिक चीज़ है क्रीम थोड़ा सा हाथों को मॉइस्चराइज कर लेते हैं और नाइट में एक बार जल्दी कर लेती हूँ दिन में आ जाते हैं। तो बस वही कर रहा था। उसके बाद जो है बाहर मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा भी था मौसम और फटाफट से मैंने काम भी कर लेते हैं। बाहर जो है ना सुबह से मैंने बाय नहीं लिया और अभी मैंने दालों को बनाया था, वो बस ज़्यादा घूमते हैं उसमें तो मैं कभी कभार कौन मतलब करती ज़्यादा नहीं करती कि बाल मेरे वजह से इतने सारे मेरे हाथ में बाल आ गए थे। और बस उसके बाद जो था ना मैंने सोचा कि फटाफट से रोटी बना लेते हैं, दोपहर का खाना कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो रह जाएगा और फिर टाइम जो होता है ना फिर वो बीत जाता है। तो उसी के साथ जो है ना यहाँ पर मैंने क्लचर ढूंढने के लिए नीचे हाथ गया था, एक क्रीम में मेरा हाथ चला गया था। यहाँ पर मैं बोल रही थी किसके बाद इस तरह का खतरा होता है कि क्रीम लगाने के बाद दोबारा से हाथ चला जाता है। तो झटपट से रसोई में आके मैंने सोचा फटाफट से रोटियाँ बना लेते हैं रात को दोपहर को। तो बस फटाफट से रोटियाँ सेक ली थी, क्रीम के पराठे बना लिए थे, मुझे रोटी बना ली थी और यही सब रूटीन रहता है इसी तरह का। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ खाली टाइम था जिसमें मैं अपना काम लेके बैठती थी। काम में था इसमें मेरे पास दो डायरी जो कि मेरे बैठ के बिल्कुल साइड में रहता है, हमेशा रहती है, डाउन करना होता है कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़, तो मैं उसको लिख लेती हूँ। फ़ोन में भी सेव रहता है बट मैं डायरी में लिख लेता था अपने भी लिखना मतलब सब कुछ कुछ चीज़ें मैं अपने लिख लेती हूँ। कोई मैंने बताया कि कभी से लिखा नहीं था तो आज एक काम करने के लिए उसके बीच में जैसा मैं फ़ोन मेरा था बज रहा था, मेरी मम्मी का शायद फोन आ रहा था काफ़ी देर से, तो जैसे मैं काम लेके बैठी तो उनका बस फ़ोन बच गया। तो फिर मैंने काम को एक तरफ रख दिया और उनके बाद तो मैं बात कर दी क्योंकि पेरेंट्स का टाइम मेरा बहुत जरूरी है, अगर आपको कॉल करते हैं तो मैं उनको कॉल हमेशा रिसीव कर दूँ और मेरे पास टाइम ना भी हो तभी मैं उनको दिन में एक बार जरूर कॉल करके उनसे बात कर लेती हूँ। तो बस यही सब है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, फिर से वीडियो को देखने के लिए। तो अपना ध्यान रखिएगा।